हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम सांतत्य अवकलनत्य की एक्सरसाइज 5.3 तक हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.4। निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट है ए की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका अवकलन करते हैं। देखो, ये भी एक्स का फलन है, ए की पावर एक्स में भी एक्स आ रहा है। साइन एक्स ये भी एक्स का फलन है क्योंकि यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो दोनों फलन एक्स के हो गए। और एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो इसका मतलब हमें ए को यू और बी, यू अपॉन बी, इसको यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे, तो यू अपॉन वी, तो हम यू अपॉन वी मेथड मीन्स डिवाइड मेथड लगाएंगे इसमें हम। तो हम सॉल्व करते हैं इस सम को। फर्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। हम ये मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू ए की पावर x अपॉन साइन x, इसको हमने y मान लिया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d, यहाँ पे y लिख देंगे क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स वाई, इधर y लिख दिया, और d अपॉन डी एक्स इधर वाला e की पावर x अपॉन साइन x। अब ये मेथड हमारे लग गया, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, इसमें वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी। अब इसमें यू अपॉन वी मेथड मतलब इसका स्क्वायर वी का स्क्वायर, फिर पहले वी लिखेंगे, वी डी यू माइनस यू डी वी, ये आपका 11th का फार्मूला है, 11th में आपने कर चुके हो एक बार इसको। तो यहाँ साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया, पहले साइन एक्स लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, और फिर माइनस ए की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स इंटू इसको e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ही आता है, माइनस e की पावर x इंटू कॉस x, और ये साइन x का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर x, साइन x का होल स्क्वायर। यही इसमें ये ध्यान रखोगे, कहीं ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर नहीं होता, कहीं तुम कर दो साइन का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये नहीं होता क्योंकि x एक एंगल होता है, तो ओनली इसमें साइन स्क्वायर x आएगा। अब इसमें दोनों में एक ही पावर एक्स आ रहा है, तो दोनों में से एक ही पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें एक्स जो है वो एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू पाई हो गई तो नीचे जीरो बन जाएगा और वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू एन पाई मतलब एन को हम 1, 2, 3, 4 या -1, -2 ऐसे हम कोई वैल्यू अगर देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यहाँ साथ में लिखना है आपको x is not equal to n pi। नेक्स्ट है आपका a की पावर साइन x। अब देखो इसमें फिर से दो हैं, कैसे, एक तो e की पावर x की फॉर्म हो गई और एक साइन x इनवर्स का फंक्शन, तो दो हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक इन्वर्स फंक्शन। इसको सॉल्व करते हैं, ए की पावर साइन माइन इन्वर्स एक्स, इसको वाई सपोज कर लेंगे हम, वाई इज इक्वल टू ए की पावर साइन इन्वर्स एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगा दिया हमने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे पहले तो ये पूरा का पूरा ए की पावर, क्योंकि अगर हम e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही आता है, इसमें e की पावर साइन इनवर्स x को करेंगे तो e की पावर साइन इनवर्स x ही आएगा, और साथ में ये दूसरा फंक्शन साइन इनवर्स x इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम श्रृंखला नियम से, तो e की पावर साइन इनवर्स x और इसको डिफरेंशिएट करने पे आता है 1/√1 − x का स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू -1 और अगर -1 भी हुई, -1 या 1 भी हुई, तो भी ये 1 − 1 जीरो हो जाएगा, और √0 0 ही होता है, और 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, और अगर इसमें
दो आ गया माइनस दो, दो आ गया तो क्या होगा, अगर टू आ गया मान लो तो टू की पावर, टू का स्क्वायर फोर, वन माइनस फोर माइनस थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री अगर अंडर रूट के अंदर आता है तो उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करके वास्तविक संख्या नहीं ले सकते, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया ए की पावर साइन वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए की पावर एक्स की क्यूब। सपोज के लिए माना वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स की क्यूब, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर भी डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स की क्यूब। अब यहाँ भी दो फंक्शन आ गए, एक तो ए की फॉर्म में और एक एक्स के क्यूब की फॉर्म में, तो ए की पावर एक्स की क्यूब आ गया पहले तो, क्योंकि ई पावर एक्स जो होता है वो ए की पावर एक्स के इक्वल ही रहता है, और दूसरा आ गया डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थ्री एक्स का स्क्वायर आएगा। सूत्र क्या लग रहा है इसमें, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और दूसरा सूत्र ये भी लगा है इसमें, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये दो सूत्र इसमें लग रहे हैं हमारे, ये पहले तो ये वाला सूत्र लगा और दूसरे नंबर पे हमारा ये वाला सूत्र लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो y मान लिया इसको हमने, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। श्रृंखला नियम लगाएंगे, पहले तो साइन को करेंगे, साइन को करेंगे कॉस आएगा, ये बुरा नंबर एज इट इज आ जाएगा, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ये तो एज इट इज आ गया कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, अब इसको करेंगे कि टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स होता है वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो वन प्लस ई की वन अपॉन वन प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सूत्र लग गया, टेन इनवर्स एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं वो वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। अब ये बचा एक्स का फंक्शन, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स, ये एज इट इज़ हो गया कॉस टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस ए की पावर, ये टू अंदर गुणा हो जाएगा, घात की जब घात होती है तो गुणा हो जाती है अंदर, तो ए की पावर माइनस टू एक्स, और ए की पावर माइनस एक्स करेंगे ए की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को करेंगे, ये आ जाएगा माइनस वन। अब पूरा हमने ओपन इकट्ठा करके लिख लेंगे, माइनस पहले लगा दिया, फिर ए की पावर माइनस एक्स आ गया, फिर यहाँ से कॉस टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स आ गया, और अपॉन में वन प्लस ए की पावर माइनस टू एक्स, और ये हमारा आंसर आ गया। अब यह है फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉग कॉस ए की पावर एक्स। अब इसमें तीन फंक्शन है, एक लॉग, एक कॉस और एक की चरघातांकी एक्सपोनेंशियल, तो तीन में हमें तीन बार ये सूत्र लेंगे, हमारी डिफरेंशिएशन तीन बार होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स, हमने इसको लिख दिया। पहले लॉग को खोलेंगे, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, अब बचाइए तो इसको डी अपॉन डी एक्स फिर कर देंगे। अब इसके बाद वन अपॉन कॉस ई की पावर एक्स आ गया, अब कॉस को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए की पावर एक्स, कॉस की जगह माइनस साइन आ गया, अब ई की पावर एक्स को करेंगे हम, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये आ गया माइनस साइन ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, तो माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया टेन ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, तो ये हो गया माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। सिक्स क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए की पावर एक्स की पावर फाइव। y इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया, मान लिया सारे को y, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये सारा हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। अब पहले इसका डिफरेंशिएट अलग से, इसको अलग से, सबको अलग से डिफरेंशिएट हम करते रहेंगे। इसको करेंगे तो ए की पावर x आ जाएगा प्लस, इसको करेंगे ए की पावर x का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर को करेंगे, ऐसे ही ए की पावर x की पावर फाइव फिर x की पावर फाइव को हम करेंगे, ए की पावर एक्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स का स्क्वायर को करेंगे तो टू एक्स आएगा डॉट डॉट डॉट, एक फिर इसको ए की पावर एक्स पावर फाइव और इसको करेंगे तो फाइव एक्स की पावर फोर। अब इसको हमने लिख दिया ठीक से, ए की पावर एक्स, इसको पहले लिया टू एक्स ए की पावर एक्स का स्क्वायर डॉट 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 तीन बार, एंड
ये 5x का पावर 4 पहले आ जाएगा, ये x का पावर 5, और ये आपका आंसर आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन, अंडर रूट में a की पावर अंडर रूट x, y इज इक्वल टू a की पावर अंडर रूट x होल पावर अंडर रूट में, ये अंडर रूट आके 1/2 कर देंगे, y के इक्वल ले लिया हमने इसको। अब यहाँ क्या किया हमने, 1/2 ए की पावर रूट एक्स 1/2 -1, ये सूत्र लगाया d/dx एक्स की पावर n वाला, d/dx ए की पावर रूट एक्स हो गया। यहाँ पे 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, तो 1/2 ए की पावर रूट एक्स की होल पावर -1/2। इसको ऐसे ले लेंगे ए की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स को फिर से करेंगे रूट, ये एज इट इज़ उतार लिया हमने, ये माइनस का था पावर में तो ये नीचे लिया है, तो ये पावर प्लस हो गई 1/2, ये ए की पावर रूट एक्स नीचे आ जाएगा और ये पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी, ए की पावर रूट एक्स, इसको करेंगे तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1। आगे इसको करते हैं 1/2, अब ये 1/2 जो पावर में इसको अंडर रूट बना दिया, ए की पावर रूट एक्स 1/2 एक्स के पावर -1/2, इसको अंदर लिया ए की पावर रूट एक्स, और यहाँ से भी 2 अंडर रूट ए की पावर रूट एक्स 1/2, ये एक्स पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, ए की पावर रूट एक्स, और इसको अंदर ये 2 to the 4 हो गया यहाँ पे, और ये भी अंडर रूट, इसको अंडर रूट में शो कर दिया, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, दोनों इकट्ठे अंडर रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स ए की पावर रूट एक्स आ जाएगा, ये आंसर होगा आपका। आठवां क्वेश्चन, लॉग लॉग एक्स, वाई को मान लिया लॉग लॉग एक्स, एक्स का सापेक्ष अवकलन करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग एक्स हो गया। पहले इस बार अब ये दो फंक्शन हो, एक लॉग और एक लॉग एक्स, पहले इस बार लॉग करोगे तो 1/log(x) d/dx log(x), अब ये एज इट इज़ आ गया 1/log(x), अब इसको करोगे लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट तो 1/x आएगा इसका, तो आंसर आ गया 1/x log(x), और x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो log 1 बन जाएगा, अगर x 1 लोगे तो log 1 और log 1 0 हो जाएगा, इससे नीचे का नंबर 0 आ जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, और अगर x को 0 लोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1/0 होके ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए x का मान 1 से बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ देखो log 1 0 के इक्वल होता है, 0 होने से यहाँ पे अपरिभाषित ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ये है cos x अपॉन log x, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये हो गया y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, ये u अपॉन v मेथड लगा दोगे, log x का स्क्वायर log x d/dx cos x -cos x d/dx log x, इस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो -sin x, log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, यहाँ पे -sin x log x हो जाएगा, और यहाँ पे cos x अपॉन x हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि नीचे x है, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया x sin x log x -cos x, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया x sin x log x -cos x upon x, और ये नीचे log x का होल स्क्वायर। अब ये इधर यहाँ पे आ जाता है, ये इसके बाद ये इधर ये, तो -x sin x log x -cos x हो गया, ये x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों गुण हो जाते हैं, x यहाँ आ गया, तो ये x यहाँ पे हो गया, और ये आपका ये आंसर हो गया x log x का होल स्क्वायर, x अलग log x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों माइनस आ रहे हैं, माइनस से कॉमन ले लेंगे हम, x sin x log x +cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10th, cos log x प्लस ए की पावर x, इसको हमने y सपोज कर लिया, अब इसमें एक ये फलन हो गया cos, और दूसरा ये पूरा ब्रैकेट वाला दूसरा फलन हो गया, तो पहले हम cos को करेंगे तो -sin log x प्लस ए की पावर x d/dx, और यहाँ पे ये आ जाएगा log x प्लस ए की पावर x,
इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस की पावर एक्स, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स और ए की पावर एक्स का इसका डी अपॉन डी एक्स की पावर एक्स का ए की पावर एक्स हो जाएगा। ये एज इट इज़ उतार लिया, ये एलसीएम ले लिया एक्स, वन प्लस एक्स की पावर एक्स, और अब ये सारे इकट्ठा लिख दिया, ये पहले को लिख दिया माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स प्लस वन साइन लॉग एक्स प्लस की पावर एक्स अपॉन एक्स। और ये आंसर है आपका, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अब हम इससे अगले एक्सरसाइज करते हैं गुणावर, इसमें क्या है कि फंक्शंस का गुणनफल है, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स तीनों को गुणा करना। अभी तक जो थे वो या तो पावर में थे या अपॉन में थे या दो के गुणा में थे, दो के गुणा में तो हम यू वी मेथड लगा रहे थे, अपॉन में थे तो यू अपॉन वी, और पावर में ए की पावर एक्स में थे। अब इसमें आते हैं तीन के गुणा हो गए जैसे, तो इनको करने के लिए हम लॉग का सहारा लेते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, ये वैसे ही हैं बल्कि इजी हैं, तो इसको हम वाई सपोज कर लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लें क्योंकि तीन की गुणा हो रही है फंक्शंस की, तीनों में एक्स आ रहा है, लॉग लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। अब जब लॉग में होता है तो ये तीनों जो हैं जो तीन गुणा हो रहे हैं वो प्लस में आ जाते हैं, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। इसमें आप ये दो तीन सूत्र नोट कर लीजिए, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, ये एन जो है वो नीचे आ जाता है, इधर एन लॉग एम बन जाता है, लॉग एम एम अगर दो की गुणा हो रही हो तो सूत्र है इसमें लॉग एम प्लस लॉग एम, ये दोनों अलग अलग होके बीच में प्लस का साइन लग जाता है, दोनों के साथ लॉग लग जाता है। एक सूत्र है लॉग एम अपॉन एम इज इक्वल टू, तो अगर डिवाइड में है तो लॉग एम माइनस लॉग एम, ये आप सूत्र नोट कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस इसका, तो इसी सूत्र से मैंने इन तीनों को अलग करा, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे लॉग लगाएंगे, वन अपॉन कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसको करेंगे तो वन क्योंकि लॉग है तो वन अपॉन कॉस टू एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉस टू एक्स, इसमें वन अपॉन कॉस थ्री एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस थ्री एक्स, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, यहाँ तो सेम है, और ये भी वन अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे वन अपॉन कॉस टू एक्स और कॉस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स को टू कर देंगे, टू एक्स इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू आ जाएगा, इधर भी वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, इसको कॉस से करेंगे तो माइनस साइन साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स को करेंगे तो इन टू थ्री आ जाएगा। अब ये माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस टू साइन टू एक्स अपन कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन थ्री एक्स अपन कॉस थ्री एक्स, ये हो गया माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स, माइनस सब में कॉमन आ गया, और यहाँ पे ये वाई भी जो यहाँ नीचे आ रहा था वन अपॉन वाई था, इस वाई को मैं यहाँ पे ले आई, माइनस कॉमन ले लिया, वाई को यहाँ गुणा कर दिया, अब टेन एक्स प्लस टेन टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स यहाँ पे आ गया, और माइनस वाई की वैल्यू रख दी कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, और ये सारा अंदर वाला हमने एज इट इज लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है टू, अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस, ये अंडर रूट में, तो पहले तो इसको अंडर रूट में दोनों तरफ का लॉग ले लिए, जिस अंडर रूट को मैंने वन अपॉइंट टू में चेंज कर दिया, इसमें वन अपॉइंट टू नीचे आ गया और ये इस फॉर्म में आ गया, ऊपर वालों में गुणा का और नीचे वालों में भाग का, लेकिन नीचे वाले तीनों गुणा हो रहे हैं, तो पहले हम भाग का रूल लगाएंगे, लॉग एम अपॉन एन का, तो लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये लिख दिया मैंने, ये हो गया लॉग वाई वन अपॉन टू। अब इसमें लॉग एम एन में
लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगा दिया, लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, और यहाँ माइनस है और यहाँ तीनों में फिर लॉग एम एन का रूल लगा दिया, यहाँ प्लस के साइन आ गए बीच में, वन अपॉइंट टू बाहर है ही। अब इसको फिर से लिख लिया, इसका ये ब्रैकेट ओपन करके माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इसको, तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन टी एक्स, वन अपॉन टू बार है ही, इसको कर देंगे वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स को करेंगे वन आ जाएगा, इस वन का करेंगे तो जीरो आएगा। अब यहाँ वन अपॉन एक्स माइनस टू, इस एक्स का करेंगे तो वन आएगा, टू का कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वन बचेगा हमारे पास। एक्स माइनस थ्री को वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स का करेंगे वन आएगा और थ्री का जीरो हो जाएगा, ऐसे इसको वन अपॉन एक्स माइनस फोर, इसका वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। इसको हमने फिर ठीक से करके लिख लिया, ये ब्रैकेट क्योंकि वन की गुणा हो रही है तो सिंपल वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब ये वाई इधर गुणा हो जाएगा कि वाई अपॉन टू, यहाँ पे ऊपर वन है, ये सारा एज इट इज़ फिर से उतार लिया। अब यहाँ पे वन अपॉन टू है, वाई की वैल्यू में रख दिया अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और अंदर वाला सेम ऊपर वाला उतार दिया। थर्ड क्वेश्चन में जब भी पार में होता है तो हमें लॉग लेना ही पड़ता है, गुणा में हो या पार में हो, तो हमने लॉग ले लिया दोनों साइडों का। क्वेश्चन है लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, लॉग लिया तो लॉग लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, अभी तो मेरा रूल था लॉग एम की पावर एन इजिकल टू एन लॉग एम, तो ये कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स लॉग 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 एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स को ऐसे ले लिया डी अपॉन डी एक्स, ये एक लॉग लॉग एक्स ब्रैकेट में आ गया, फिर लॉग लॉग एक्स इधर कर लिया। ये यू वी मेथड लगा रही हूँ, इसमें मैं एक फंक्शन जैसे इस फंक्शन को मैंने यू मान लिया और इस फंक्शन को मैंने वी मान लिया, तो यू वी मेथड लग रहा है यहाँ पे हमारा। लॉग लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स ये हो गया, इस लॉग का तो हो गया वन अपॉन लॉग एक्स, इस लॉग एक्स को डी अपॉन डी एक्स कर दोगे, यहाँ पे फिर से लॉग लॉग एक्स एज इट इज़, और इस कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये एज इट इज़ पहले वाला ही है, ये लॉग एक्स को वन अपॉन एक्स कर दिया और लॉग लॉग एक्स था इसका माइनस साइन एक्स हो गया, इकट्ठा करके लिख दिया इनको कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये भी इकट्ठा करके लिखा माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, साइन एक्स लॉग लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये वाई को इधर गुणा कर दिया और ये सारा एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया, वाई की वैल्यू रख दी हमने लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये सारा एज इट कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन लॉग लॉग एक्स। फोर्थ क्वेश्चन एक्स की पावर एक्स माइनस टू साइन टू की पावर साइन एक्स, इसका वाई मान लिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों में माइनस का साइन बीच में आ गया, गुणा का तो है नहीं कि लोग लगा दें, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम दोनों एक को यू मान लेते हैं एक को वी मान लेते हैं, तो यहाँ कर दिया हमने वाई इजिकल टू यू माइनस वी, जहाँ यू एक्स की पावर एक्स है और वी टू की पावर साइन एक्स है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब पहले यू को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ, दो पार्ट में कर रही हूँ, पहले यू को हम डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे फिर डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। यू आ गया एक्स के पावर एक्स, यहाँ पे कर हमने लॉग दोनों तरफ कर लो, क्योंकि ये अपने कर रखे हैं अभी पिछले एक्सरसाइज में 5.3 में सारे क्वेश्चंस करे थे, दोनों तरफ का लॉग ले लिया, ये पार में एक्स है तो एक्स लॉग एक्स बन गया, फिर अवकलन करोगे वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स है, एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ये इसको हमने एक ये फंक्शन हो गया एक्स और ये दूसरा फंक्शन हो गया। यू वी मेथड हमने इसमें लगा दिया, यू वी मेथड से हमने इसमें ये लगा दिया मेथड, तो ये लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पे लॉग एक्स इंटू वन आ गया तो वन प्लस लॉग एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इजिकल टू यू इंटू वन प्लस लॉग एक्स, यू की जगह एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ऐसे हमने वी को करेंगे टू की पावर साइन एक्स है तो पार में है तो लॉग लेंगे इसका, लॉग वी लॉग टू साइन एक्स नीचे आ जाएगा साइन एक्स लॉग टू। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, लॉग टू हमारा कॉन्स्टेंट नंबर है तो बाहर निकाल दिया इसको, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का बन गया कॉस एक्स, तो लॉग टू कॉन्स्टेंट नंबर है लॉग टू कॉस एक्स आ गया।
अब ये वी इधर के गुणा हो जाएगा, ऊपर जाके वी की जगह टू के पास साइन एक्स रख देंगे, कॉस एक्स लॉग टू हो गया। ऐसा करते हैं इसमें समीकरणों के हम, या चलो अब डी यू अपॉन डी एक्स ऊपर निकाल चुके हैं, डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर निकाल लिया, तो दोनों का मान समीकरण एक में रख देंगे। ये डी यू अपॉन डी एक्स का मान है और ये डी वी अपॉन डी एक्स का मान है। फिफ्थ क्वेश्चन इसका ये है, एक्स प्लस थ्री की का स्क्वायर एक्स प्लस फोर के क्यूब एक्स प्लस फाइव की पावर फोर। इस पूरे का वाई मान लिया, तीन की गुणा हो रही है, लॉग लेंगे, लॉग से तीनों में ऐड हो जाएगा यहाँ पे कि लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर लॉग एक्स प्लस फोर की क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस फाइव का फोर पार। अब क्योंकि ये पार में था तो टू नीचे आ गया, टू लॉग एक्स प्लस थ्री बन गया, थ्री लॉग एक्स प्लस फोर और फोर लॉग एक्स प्लस फाइव। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, या टू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू वन, अंदर वाले का भी करते हैं, x का वन आ जाएगा, थ्री का जीरो, तो ऑल ओवर में वन बन जाएगा, थ्री वन अपॉन एक्स प्लस फोर और इसका आ जाएगा फोर का तो जीरो बनेगा डिफ्रेंशिएट करके, और x का वन बन जाएगा, ये वन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये फोर इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, अब टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। अब इन तीनों को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और y जो यहाँ था इसके यहाँ गुणा कर दी मैंने, y की जगह हमने ये लिख दिया जो हमने माना था और ये एज इट इज़ ऊपर से उतार दिया हमने। सिक्स क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये है x प्लस वन अपॉन x की पावर x, x की पावर वन प्लस वन अपॉन x। y मान लेंगे इसको, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू मान लिया हमने x की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, और वी मान लिया एक्स की पावर वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे फर्स्ट पार्ट है हमारा ये हो गया, यू मान लिया इसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, दोनों साइडों का लॉग लोगे, लॉग यू ये आ गया, एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लिया एक्स हमने, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन आया, लॉग यू एक्स, अब वहाँ पे लॉग अपॉन में आ रहा था तो यह माइनस के फॉर्म में लिया है, एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें माइनस का रूल लगाया, लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे आके वन अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू यहाँ पे इसको कर दिया वन अपॉन एक्स का स्क्वायर टू एक्स, इसको वन अपॉन एक्स, ये यू वी का मैथ है। एक फंक्शन ये हो गया हमारा और दूसरा फंक्शन हमारा ये पूरा हमने ले लिया, दूसरा फंक्शन यू वी मैथड, एक यू और एक ये, यहाँ पे यू वी मैथड हमने लगाया। तो अब इसमें इसको एक्स का स्क्वायर का टू एक्स हो गया, वन का जीरो हो जाएगा तो टू एक्स वन अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स को करोगे तो यहाँ पे एक्स का वन आ जाएगा, ये आ गया टू एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन वन अपॉन एक्स, यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया हमने, इसमें सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ भी दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, ये एक्स आ गया वन अपॉन एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन इन टू एक्स। अब ये एक्स है, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स इसलिए नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा एक्स ना ही आएगा, लॉग इसको कट करना है, लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और डी अपॉन डी एक्स। अब ये यू हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा हमारा एक फलन है, ये जो पूरा का पूरा हमने यहाँ उतार लिया, यू की जगह लिख दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, और ये पूरा फंक्शन ऐसे उतार लिया, इसको हमने समीकरण दो का नाम दे दिया। इसके बाद वी को लो, वी इज इक्वल टू एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग वी इजिकल टू लॉग एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स इधर ले लेंगे इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वन अपॉन वी लॉग वी का हो जाएगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। और यहाँ फिर दो फंक्शन होगा, एक ये वाला फंक्शन ब्रैकेट के अंदर वाला और दूसरा लॉग वाला, इसको वन प्लस वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स, यहाँ पर लॉग एक्स इंटू ये जीरो, इसका वन का तो जीरो हो गया, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया, एलसीएम लिया एक्स प्लस वन वन अपॉन एक्स, यहाँ पे ये हमारा आएगा माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जीरो है तो माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया, गुणा कर दी, एलसीएम लिया एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स,
डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, वी इंटू एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, वी की जगह हम रख देंगे एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, और ये एज इट इज़ उतार लिया हमने। अब समीकरण दो से डी यू अपॉन डी एक्स, समीकरण तीन से डी वी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन, प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। ये आज हमने 6 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, 7 से आगे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मेरे से या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसी दिन आपको उसका आंसर दे दूँगी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप इसमें पूछ सकते हो।